आज अपने ओशिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर मुझे जानकारी मिली कि पूर्व विधायक महोदय बालरवा ग्राम पंचायत के अंदर आई है और बालरवा ग्राम पंचायत के अंदर आकर ऐसा पुलिस और डिस्कॉम के अधिकारियों को धमकाने का काम कर रही है। मैं पूर्व विधायक महोदय से ये निवेदन करना चाहता हूं और ये आपको जानकारी देना चाहता हूं कि आप तथ्यहीन और आधारहीन बातों का साथ देना छोड़ दीजिए, झूठी बातों का साथ देना छोड़ दीजिए। आप मौके पर मौजूद है, एक बात आपके बिल्कुल पड़ोस पे ही घर है, श्रीमान खेताराम जी सनोप श्री अचलाराम जी परियार राजस्व गांव चैन सिंह नगर ग्राम पंचायत बालरवा में है और इसी आपके चहेते सरपंच प्रतिनिधि मिस्टर सांवर परियार सनोप श्री अर्जुन जी के सुपुत्र है। उन्होंने पिछले 2.5 से 3 साल तक इस खेताराम जी को अंधेरे में रखने को मजबूर किया है, आपकी तानाशाही ने मजबूर किया है, आपकी राजनीतिक द्वेषपूर्ण भावना की जो असनीति है उसके तहत इसको मजबूर किया है। वो ये परियार जो है आपके 2.5 से 3 साल तक अंधेरे में रहा है, इसके भी बच्चे हैं, इसके भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, इसकी भी बहन बेटियां रोशनी में यदुशा रहना चाहती है। एक महिला होने के नाते ये मेरा निवेदन है कि आप इस प्रकार का जो रवैया है ये आपको शोभा नहीं देता है और आपकी डिस्कॉम की टीम या कोई भी विजिलेंस की टीम किसी भी किसान का कनेक्शन विच्छेद करने के लिए नहीं गई है। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि आदरणीय खेताराम जी सनोप श्री अचलाराम जी जो पिछले 3 साल तक अंधेरे में बैठा है उसका कनेक्शन जोड़ने के लिए गई है, कनेक्शन कटवाने का और विजिलेंस करवाने का ये तो आपकी आपका काम है, आपको मुबारक हो। आज भारतीय जनता पार्टी का राज है और यहां से विधायक अपने आप के अंदर एक किसान है और आपने तो खुद ने स्वीकार किया है कि मुझे तो किसानी का काम नहीं आता है, इसलिए आपको तो जानकारी नहीं है कि आप किसका साथ दे रहे हो और किसका साथ नहीं दे रहे हो। झूठे और असत्य बात का साथ आपको नहीं देना चाहिए क्योंकि हमेशा सच्ची ही बात आगे तक बढ़ती है, सत्य बात ही आगे तक तरती है। अब इन झूठी बातों का क्यों साथ दे रहे, आप मौके पे खड़े हैं, पुलिस अधिकारियों के साथ में बदतमीजी कर रहे हैं, पुलिस विभाग के कर्मचारियों के साथ में बदतमीजी कर रहे हैं, डिस्कॉम के अधिकारियों के साथ में आप ऐसे बदतमीजी कर रहे हैं। बदतमीजी तो आप कर रहे हैं, आपके साथ में कौन बदतमीजी कर सकता है, आज तक तो मैंने देखा नहीं है। जितने भी जो बदतमीजी करते आए हैं ये तो शायद ऐसा जनता जानती है, जनता उसका फैसला ऑलरेडी कर दिया है और आगे भी जनता फैसला करती रहेगी क्योंकि जनता सबको देखती है। मैं आपसे एक बात का निवेदन करना चाहूंगा अगेन कि सांवर परिहार सनोप श्री अर्जुन जी ने अपने घर के आगे जो डिप्पी लगी हुई है उस डिप्पी के जंपर वहां खेताराम जी सनोप श्री अचलाराम जी परिहार के पिछले 3 सालों से उसका घरेलू कनेक्शन काट दिया है। आप मौके पर मौजूद है, आप वहां जाकर एक बार उसे खेताराम जी से बात कर लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और आप इस प्रकार के भ्रामक प्रचार और षड्यंत्रकारी राजनीति नहीं करें, ये आपको शोभा भी नहीं देता। मेरा निवेदन है ओशिया विधानसभा का 2,65,000 मतदाता अपने आप के अंदर जागरूक मतदाता है और जनता ने फैसला किया है, आप अपनी हार की बौखलाहट को इस प्रकार से जनता के सामने प्रदर्शित होने से कहीं पर आपको कोई राजनीतिक फायदा नहीं होने वाला है। आगे भी आपने सामडव सारण नगर का एक किसान ने जिसने अपना इच्छा से कनेक्शन कटवाने का और वहां से ट्रांसफार्मर ले जाने का जो निवेदन किया था उसका भी झूठा वीडियो वायरल किया था, उसका भी आपको राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा। मेरा पूर्व विधायक महोदय से निवेदन रहेगा कि इस प्रकार से ओशिया की जनता को भ्रमित करने का काम नहीं करें, ओशिया की जनता भ्रमित नहीं हो सकती, ओशिया की जनता जागरूक हो गई है और आपके किए गए जिस प्रकार के भ्रामक और झूठे प्रचार के अंदर आने वाली नहीं है। आप चाहे पाला मांडिए, आप चाहे झूठ का साथ दीजिए, आप चाहे अन्याय का साथ दीजिए, आप झूठे और षड्यंत्रकारी लोग जो दूसरे अपने पड़ोसियों को और किसानों को अंधेरे में रखना चाहते हो, ये नीति आपकी सफल नहीं हो सकती। हमारी नीति रहेगी वसुधैव कुटुंबक, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबको साथ लेके चलने की नीति है और उसी नीति के तहत हम हमारा काम कर रहे हैं और पुलिस अपना काम कर रही है, डिस्कॉम अपना काम कर रही है। ज्यादा तथ्य आपको लेने हो तो मेरा पूर्व विधायक महोदय से निवेदन है आप मौके पर जरूर खेताराम सनोप श्री अचलाराम परियार से बात करके उसकी व्यथा जानिए, आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। जय हिंद जय भारत।